दुनिया में चल रहे अलग अलग तर्क वितर्क आज भी हमारे मन में कई सवाल पैदा करते हैं। धरती के बाहर होती रही अलग अलग प्रवृत्तियां इंसान के लिए सबसे ज्यादा जिज्ञासा का विषय रहा है। उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इंसान ने अन्य ग्रह पर कदम रखना शुरू किया। चंद्रमा को लेकर कहानियों का संसार बेहद रोचक रहा है। आज का हमारा विषय है, क्या चांद खोखला है? क्या चांद की सतह खोखली है? जिस तरह इंसान ने दूसरे ग्रह पर कदम रखा, उसी तरह ये भी माना जाता है कि दूसरे ग्रह के लोगों की नज़र पृथ्वी पर रही होगी। वह पूर्व कई बार पृथ्वी पर आए होंगे। खैर, ये बात मानने से रही, चांद बहुत खूबसूरत है और ये धरती के शुरुआत से लेकर आज तक हमारे धरती के साथ बना रहा है। चांद को ही नजर रखते हुए हम लोगों ने कैलेंडर्स बनाया, उसको लेकर कई कहानियां भी बनाई गई। चांद को देखकर भेड़िए आवाज निकालते हैं। रात के अंधेरे में चांद ठंडी प्रकाश प्रदान करता है। इसके चलते हमारी सोलर सिस्टम और धरती एक बैलेंस में रहती है। अगर चांद नहीं होता तो हम लोग जिंदा नहीं होते। इस विषय को लेकर वैज्ञानिकों ने शोध करना शुरू कर दिया। हम चांद के बारे में पहले से कुछ नहीं जानते थे, पर सन 1969 नासा का वह पहला मिशन जिसके चलते इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा, उस समय हुई कुछ अनसुलझी घटनाएं आज भी मन में कितने संदेह खड़े करती है। क्या हुआ होगा उस समय? इस सब घटनाओं ने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। इस रहस्यमय गुत्थी को समझने का प्रथम प्रयास करते हैं। सन 1969 नासा के उस अपोलो मिशन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पे एक इम्पैक्ट ठोका था। मतलब एक सैटेलाइट को चांद की सतह से जानबूझकर टकरा के खुद क्षेत्र तक एक क्रिएटर बनाने की कोशिश की गई थी। जब उस सैटेलाइट और मून का कॉन्टेक्ट हुआ और ये क्रिएटर बना तो एक बेल यानी कि घंटी तरह चांद की सतह कुछ क्षण तक वाइब्रेट करती रही। यह घटना देखकर अंतरिक्ष यात्री भी अचंभित रह गए। ऐसा मानो कि कोई सैटेलाइट कोई ऐसी चीज से टकराई हो, ठीक घंटे यानी बेल की तरह जो अंदर से खोखली हो। अगर चांद की सतह कोई सॉलिड सी बॉडी से बनी हो तो यह वाइब्रेशन आना असंभव था। इस घटना को देखकर साइंटिस्ट पूरी तरह से चौंक गए, क्योंकि यह इस बात की पुष्टि करता है कि चांद अंदर से खोखला है। चांद के बारे में जो कोई बेसिक सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, और आज तक हम लोग इसे समझने में भी असमर्थ रहे हैं। चांद को खोखला होने वाली बात को आपने मान ली। सन 1972 में चंद्र की धरती पर नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने कदम रखा। कई रिसर्च किए गए, अलग अलग विज्ञान शास्त्रियों का अपना तर्क आता रहा, लेकिन आज वर्षों गुजर जाने के बावजूद चांद बना कैसे कोई भी साइंटिस्ट आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सका। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई बड़ी सी बॉडी धरती से टकराने के बाद चांद बना होगा। क्या वह खोखला है? पर इस सिद्धांत में समस्या यह है कि चांद की सतह और धरती की सतह पूरी अलग थलग सी है। चांद का कंपोजिशन अलग सा है। सन 1972 में जब अमेरिकन वैज्ञानिक अवकाश मिशन चंद्र पर गए तो फिर एक बार एक इम्पैक्ट छोड़ा गया, यानी कि चांद की सतह से जानबूझकर टकराए, यानी कि फिर से क्रिएटर बनाने की कोशिश की गई। उस समय भी सैटेलाइट और मून का कांटेक्ट होते होते फिर से घंटे यानी कि बेल की तरह कई घंटों तक यह वाइब्रेट करता रहा। फिर उसी तरह मानो कि कोई ऐसी चीज टकराई हो जो अंदर से खोखली हो, ठीक घंटे की तरह। यह सब घटनाएं रिकॉर्ड की गई और वैज्ञानिक ये बात की पुष्टि करने से नहीं कतराए कि चंद्र की खोखली है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, विम्स टीवी। धन्यवाद। जय हिंद।